ये जो चीज देख रहे हैं, ये कोई आरजेडी सपोर्टर मैं नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात कर रहा हूं। ये जो चीजें हैं वो दिल से निकली हुई एक स्टूडेंट का, एक टीचर्स का सपोर्ट है उनके लिए, जो कि एक के मूर्ति हैं जंगल राज के, या जो करप्शन के मूर्ति हैं, या आप कह सकते हैं जिनको नाम सुनते ही आदमी कहने लगता है अच्छा ये है, ये ही तो बर्बाद किया है पूरे बिहार को। उसके लिए अगर आपके मन से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो निकल रही है, तो वो इसलिए निकल रही है क्योंकि जो उन्होंने प्रचार में किया था कि जब प्रचार कर रहे थे इलेक्शन से पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे आपकी वैकेंसी आएगी और पहले कलम से वैकेंसी आएगी। चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने, जितनी भी क्षमता थी, जितना भी उनके पास पावर था, उसको यूटिलाइज करके जो उन्होंने दिया, उसके लिए बिहार हमेशा उनका ऋणी रहेगा। बिहार के बच्चे जो कि भविष्य हैं, बाहर के स्टेट में धक्का खाते हैं, उनको एक आस मिली कि हम अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं। और मैं भी खुश नसीब हूँ कि चलो, हालांकि वैकेंसी मेरा 2014 का था, लेकिन मन में फीलिंग आने लगी थी कि अरे, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि रेलवे में, कहीं बेंगलोर में होंगे तो कहीं उड़ीसा में होंगे, कहीं कहीं होंगे, तो उनको एक आस जगने लगी थी कि ये सरकार हमें जॉब देगी। और जॉब दी, ऐसा नहीं है कि नहीं दी। आपने देखा बीपीएससी में कितने कितने लोग का सिलेक्शन हुआ, वो अलग बात है। उसमें देखिए कोई भी एग्जाम फेयर नहीं होता है बिहार में, ये तो आप 100% मान लो। सिस्टम सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कम से कम जो जेन्युइन बंदे थे उनको तो भी मिली, जो थोड़ा सा फर्जीवाड़े तरीके से भी गए, वो होता ही है, सभी के साथ होता है, सभी जगह होता है, लेकिन जॉब तो मिली। उसके बाद अभी वैकेंसी आ रही थी किसकी, ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही थी आपके बिहार में, उसके बाद बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आ रही थी जिस पे कि अब प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन कल आपने देखा होगा ट्विटर पे ये चीजें ट्रेंडिंग कर रही थी, और ये 1-2 घंटे नहीं, कम से कम तो 10 घंटा ट्रेंड किया। और इसके पीछे ऐसा नहीं कि कोई आईटी सेल ने ऐसा कुछ करवाया हो, बच्चे का प्यार था। अब सब जगह स्टेटस लगा रहे हैं बच्चे तेजस्वी का, भाई जिसको लोग मतलब इतना हेट करते थे कि इसके पिताजी ने ऐसे किया वैसे किया, आज भी आप देखेंगे ईडी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो अलग बात है, पॉलिटिकली तौर पे हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो जेनुअन दिखता है वो हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं खुद उस जात से नहीं हूँ जिस जात से वो है, मैं जात की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बच्चे आएंगे जो कि जात की बात करेंगे, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि जात मैटर नहीं करता भाई। आप लोग पढ़ चुके हैं, दिमाग में वो चीज़ें आ चुकी है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके और उसको एनालिसिस कर सके। ऐसा नहीं है कि अच्छा फलाना यादव लगा हुआ है तो यादव का ही सपोर्ट करेगा, अच्छा ये कुमार है तो ये इसका सपोर्ट करेगा, अच्छा सिंह है तो ये इसका सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ये पहले होता था, अभी आप देखेंगे कि यादव के बच्चे ही सिर्फ नहीं, बहुत सारे मतलब कि जेन्युइन पढ़ने वाले बच्चे हैं किसी भी फील्ड के हो, यानी कि किसी भी जाति के हो, तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भविष्य दिख रहा है उनको। वो अलग बात है कि करप्शन होता है, सब जगह होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इवन केजरीवाल जी बोले थे कि हम ये कर देंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, अभी आप देखेंगे उनके मंत्री सब पैक हैं जेल में जाके। तो ये चीज़ें रुकती तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको रिड्यूस किया जा सकता है। और इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ कि थोड़ा सा मेरे दिल में भी ये है, उनके प्रति ये स्नेह जग गया है कि बच्चों के लिए इतना सोचा है, तो कम से कम एक वीडियो के माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद कि जो उन्होंने किया है उसके लिए धन्यवाद। और आशा करते हैं इन फ्यूचर इन बच्चों के लिए वो जरूर चुन के आए, और जो उन्होंने फुलफिल नहीं किया है अभी तक, क्योंकि पावर ही नहीं था उनके हाथ में, वो तो चीफ वाइस चीफ मिनिस्टर या कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो जब भी वो मुख्यमंत्री बने ये सब जो चीज़ें छूट चुकी है उसको नए सिरे से वो जरूर लागू करेंगे। आशा करते हैं आप भी मेरे बातों से एग्री करते होंगे, अगर आप एग्री करते हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।